सो so कुछ टाइम पहले आईकू ने अपना ये आईकू नियो सिक्स इंडिया में लॉन्च किया सारे यूट्यूबर्स ने इसकी बढ़ाई मारी भाई बहुत अच्छा फोन है पिछले साल के प्रोसेसर वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल प्रोसेसर सैमड्रगन 870 के साथ में ये फोन लॉन्च हुआ है पिछले एक महीने से है मेरे पास मैंने काफी अच्छे से इसको टेस्ट किया है एज अ प्राइमरी फोन यूज किया है सारी बातें आपको बताने वाला हूँ कि भाई कैसा फोन है आपको लेने लायक है नहीं सो ही इज जहीर एंड द फुल रिव्यू ऑफ दिस दिसकू नियो सिक्स बिगे सबसे पहले बता दू, एक जून को मैंने इसको अनबॉक्स किया है एंड इसके अंदर मैंने अपना दोनों सिम कार्ड पंद्रह जून को डाला है तब से मैं इसको एज अ प्राइमरी फोन यूज कर रहा हूँ इसके अंदर मेरा व्हाट्सएप मेरा बैंकिंग डिटेल सब कुछ बेसिकली मेरा प्राइमरी फोन है ये चलो मैं बताता बताऊँ आप लोगों को कैसा फोन है हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन से सबसे पहले अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करू तो साइड का पूरा फ्रेम जो है वो प्लास्टिक में है सेम एज आइको नाइन एस सी एंड जो फोन है सारे ऑलमोस्ट प्राइस में सेम प्लास्टिक फ्रेम के साथ में आते हैं लेकिन पता नहीं क्यों फ्रेम के अंदर ये जो कवर लगाने का दिया है ऐसे अजीब से मार्क्स आ जाते हैं एंड इवन सेम चीज मैंने आईकू नाइन एसी में भी नोटिस करिए जैसे आप लोग तो यहाँ पर देख रहे हो होना गंदा मार्क्स आ रहा वो मिट भी नहीं नहीं रहा ऐसा कि मिट जाए तो अजीब सी चीज है लेकिन जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी मजबूत है इवन जो बैक है ये प्लास्टिक का है उसके बावजूद भी काफी अच्छा मजबूत है लेकिन जो ग्लास वाली फीलिंग आती है जैसे ये जो जो फोन है है इसके अंदर ग्लास बैक इसकी जो फीलिंग है वो लेवल का प्रीमियमनेस ये मैच नहीं कर पाता लेकिन फिर भी ठीक है ऐसा बुरा नहीं है प्लास्टिक की क्वालिटी भी अच्छी है बाकी ये फायदा होता है प्लास्टिक होने से भाई बाई चांस अगर गिर गया प्लास्टिक टूटता नहीं है तो ये चीज अच्छी हो जाती है तो ये चीज है लेकिन भाई ओवरऑल जो प्रीमियमनेस है वो उतना लेवल का नहीं है लेकिन काफी अच्छा है इनहैंड फील भी काफी अच्छी है मस्त मेरे को अच्छे से बैठी है साइड से पूरा है वो फाइव मिलीमीटर एंड वन ग्राम का वेट है कि थोड़ा सा जो बॉडी है अलावा मेरे को जो बिल्ड क्वालिटी है उसमें को इशू देखना जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा सब्जेक्टिव होता है लेकिन यहाँ का जो डिजाइन है मुझे पर्सनली पूरा अच्छा बोल्ड सा है नियो की ब्रांडिंग है यहाँ पर जो फुल एकदम खतरनाक टेक्स्ट में लिखा हुआ है आईको की ब्रांडिंग है फ्रंट में छोटा सा

मतलब मैं कुछ करूं ही नहीं मैं अगर एक फोन को अच्छा बोलता हूं तो उसको अच्छा बोलेंगे पब्लिक बोलेंगे सामने वाले ने पैसा दिया या उस कंपनी ने पैसा दिया मतलब कुछ भी कर रहा हूं तो वो यार आप लोग को अजीब ही बात लग रही है मेरे को समझ में नहीं आ रही तो बोलते हो यार मेरे को समझ में नहीं आता बेसिकली बहुत सारे लोग का जो माइंड है ना वो ऐसा हो गया कि जो ऑनेस्ट यूट्यूबर होते हैं ना ऑनेस्ट का मतलब वो जो सिर्फ और सिर्फ फोन को गाली देवे उसको ऑनेस्ट समझने लगे हैं लोग देखो भाई अगर फोन अच्छा है तो मैं अच्छा ही बोलूंगा खराब है तो खराब बोलूंगा और अगर आज तक के मैंने एक हजार से ज्यादा वीडियोस बना चुका हूं आज तक के अब मेरे को एक भी बार प्रूफ कर दो कि मैं बिना स्पॉन्सरशिप के बारे में बताए स्पॉन्सरशिप की हो चैनल पर मैं पूरा चैनल डिलीट कर दूंगा आज तक के कभी ऐसा नहीं हुआ और ना ही होगा कि मैंने बिना अनाउंस के बिना 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 सामने वाले को मतलब को बताया मतलब ऑडियंस स्पॉन्सरशिप की हो सो so, अब आप लोग सोचे समझे कुछ भी कमेंट मत क्या करो जब मैं बोल रहा हूँ पेड नहीं है नहीं है पेड और स्पॉन्सर्ड तो बहुत दूर की बात है आज तक के आईकू ने मुझे सामने से या फिर मैंने खुद ने आईकू को कभी अप्रोच तक नहीं किया आईकू थ्री जब लॉन्च हुआ था तो आईकू थ्री के लॉन्च इवेंट के बाद मैंने आज तक के आईकू से बात ही नहीं हुई मेरी अब आप सोच लो आप बोल रहे हो आईकू ने ऐसा किया आईको ने तो भाई बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है सारे आईको के फोन जितने मैंने कवर किए हैं सारे खुद के पैसे से खरीदे हुए फोन है उन लोग ने तो पैसा तो देने की बात है फोन रिव्यू यूनिट भी नहीं दिया है तो ये मत समझा करो इवन ना तो रियलमी मुझे रिव्यू यूनिट देता है ना पोको देता है कोई भी नहीं देता भाई इन्फिनिक्स के अलावा मुझे कोई भी रिव्यू यूनिट नहीं आता है और अगर जिसका भी रिव्यू यूनिट आता है मैं क्लियरली बोल देता हूँ रिव्यू यूनिट आया हुआ है तो प्लीज अपने दिमाग से थोड़ा सा चीजें दूर करो अगर खराब वर्ड में बात करता हूँ मैं पहले मैं बात करता था पहले की भाई ये टट्टी प्रोडक्ट है या फिर हक दिया बकवास प्रोडक्ट ऐसा मतलब बोलता था ना तो पब्लिक बोलती भाई अरे तुम ऐसा तुम्हारी वीडियो मैं फैमिली के साथ देखता हूं थोड़े से अच्छे वर्ड्स यूज करो इतने खराब वर्ड्स मत यूज करो हम लोग के फैमिली को बुरा लगता है तो अरे यार मैं अच्छे वर्ड्स यूज कर रहा हूं थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स यूज कर रहा हूं तो उसमें भी आप लोगों को प्रॉब्लम है पहले आप लोग अपना माइंड बना लो कि आप लोगों को प्रॉब्लम किस चीज से मुझसे प्रॉब्लम है मेरे कॉन्टेंट से प्रॉब्लम है या किस चीज़ से प्रॉब्लम है भाई खाली तुमको यही चाहिए कि मैं गाली दू फोन को खाली क्रिटिसाइज करू बिना कोई मतलब के तो ये मैं नहीं कर पाऊंगा भाई मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं जहां तक जितना हो सके उतने अच्छे से उतने ऑनेस्टी से एंड उतनी ईमानदारी से काम करूँ एंड आज तक के मैंने कभी ये नहीं किया कि भाई अगर गलत है तो उसको सही बोला या सही है तो उसको गलत बोला है स्पॉन्सरशिप की क्लियरली आपको स्पॉन्सरशिप का टैग देखने को मिल जाएगा एडवर्टीजमेंट करूंगा तो क्लियरली आपको स्पॉन्सरशिप का टैग मिल जाएगा एड के अंदर एड करता हूं मैं रिव्यू करता हूं तो रिव्यू करता हूं क्लियरली रिव्यू का मैंने आज तक पैसा नहीं लिया और ना मैं रिव्यू करने का पैसा लूंगा जो रिव्यू होता है वो कभी भी कभी भी पेड नहीं होता तो so, बेसिकली आज तक के जितनी भी अनबॉक्सिंग या फिर रिव्यूज आपने देखी है स्मार्टफोन की कोई भी पेड नहीं थी इतना समझ लो भाई और अगर रहेगी फ्यूचर में तो मैं डेफिनेटली आप लोग को बताने वाले भावनाओं में बह गया था लेकिन यार ये बात पे बात करना बहुत जरूरी था लोग ऐसा इतना लगाते ना। यार हम लो भी इंसान है बुरा लगता है तो इसके लिए मेरा मूड थोड़ा सा खराब होता है लेकिन छोड़ा अभी हम पॉइंट पे आते हैं बात करते आईको नाइन एस सी के डिस्प्ले के बारे में डिस्प्ले देखने को मिलती है फुल एच डी एमोलेड इले पावर कंज्यूमशन काफी अच्छा है मतलब बहुत कम पावर कंज्यूम करता है तो काफी अच्छी प्लसन हंड्रेड्स की ब्राइटनेस है इवन आउटडोर्स में मैंने को कभी भी ऐसा कोई शिकायत देखने को मिला काफी ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले आपको शिकायत नहीं होने वाली डिस्प्ले से एच डी आर टेन सपोर्ट करता है एंड वाइड वन एलवन वगैरह भी सपोर्ट करता है मैंने नेटफ्लिक्स के अंदर काफी बार एच डी आर वीडियो देखे काफी अच्छे से चलती है भाई मजा आता है एंड ओवरऑल जो डिस्प्ले है वो उसकी क्वालिटी काफी मस्त है आपको कोई शिकायत होने वाली सफिशेंटली ब्राइट भी है कोई भी ऐसा इशू नहीं लगा अभी तक के मेरे को बाकी उसके बाद एक बात करूँ परफॉर्मेंस की तो इसके अंदर हमको स्नैप ड्रगन एट सेवेंटी चिप से मिलता है स्टोरेज के साथ में एंड भाई इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा लाजवाब है स्पेशली गेमिंग की बात कर रहा हूँ पर गेमिंग में बीजेएम को मिलेगा तो, तो, तो एकदम सुपर है अगर आपको गेमिंग के लिए कोई फोन लेना है दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फोन फॉर द गेमिंग बहुत अच्छा है मेरे को काफी अच्छा लगा एंड मैंने बेंच मार्क वगैरह भी करके देखा बहुत सारे टाइम एन टू टू देख सात लाख अट्ठाईस हजार का स्कोर आया है गीग बेच देखो उसके बाद यहाँ पर उसकी स्पीड देखो पंद्रह मिनट थ्रॉटलिंग टेस्ट किया उसमें टू फिफ्टी सेवन थाउजेंड का स्कोर आया है एटी नाइन परसेंट थ्रोटलिंग के साथ में भी रेड नहीं हुआ येलो भी बहुत बैरली है भाई बहुत तगड़ा स्टेबल प्रोसेसर है बाकी बात करूं डे टू डे टास्क में परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है डे तो तो काफी अच्छा, काफी फास्ट एंड काफी फ्लूड फोन है लेकिन कंपेरिटिवली ट्रिपल एट वे फोन से जैसे IQRNC है एसी थोड़ा सा स्लो लगेगा आपको ये मैंने पर्सनली नोटिस किया बाकी स्मूथनेस की बात करूं तो वन ट्वेंटी काफी जगह पर चलता है लेकिन जैसे अभी मैंने यूट्यूब खोलिया तो यहाँ पर ली नहीं पसंद है यार मुझे जब वन ट्वेंटी आता है था था था, सब जगह रहे तो अच्छा रहता तो लेकिन इसके अंदर जो वन ट्वेंटी है वो एटी फाइव परसेंट जगह पर बहुत अच्छा चलता है कंपेयर टू नाइन परसेंट जो आईको नाइन एसी वगैरह है जिसमें नाइनटी परसेंट आई बहुत तगड़े तरीके से चलता है बाकी इसके अंदर भी अच्छा है कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा स्मूथनेस काफी मस्त है बाकी सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो इसके अंदर हमको अगर मैं आपको दिखा दू तो भाई फंड टच वैस ट्वेल्ल देखने को मिलता है एंड्रॉड ट्वेल्व के साथ में काफी जबरदस्त सॉफ्टवेयर है भाई काफी सारे कचरे थे जो मैंने इंस्टॉल कर दिया आप लोग इजीली इंस्टॉल कर सकते हो उसमें हॉट गेम्स वगैरह है उसको आप यहाँ पर जाके बंद कर सकते हो ये हॉट गेम्स है हॉट एप्स तो ये है लेकिन भाई एक 30,000 हजार के आसपास का फोन है तो उसमें ये सब चीजें होनी ही नहीं चाहिए इन सॉफ्टवेयर है, है। यहाँ पर ये सारी देखो बहुत पुराने टाइप का दिख रहा है लेकिन जो सॉफ्टवेयर है वो काफी प्रैक्टिकल है आपको कुछ प्रॉब्लम मैंने बहुत कम बग्स इसके अंदर नोटिस तो काफी अच्छा है काफी प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर है बट थोड़ा सा बोरिंग है जैसे मैंने बताया सॉफ्टवेयर के बाद अगर बात करू कैमरा फोर तो मेगा का मेन कैमरा है उसके बाद आठ मेगा वाइड दो मेगा का मैक्रो है फ्रंट में सोलह मेगा का सेल्फी शूटर देखने को मिलता है तो सबसे पहले मैं बात नॉर्मल फोटो की तो ये आउटडोर में लिया हुआ फोटो कई एंड आई हैव टू से भाई रेंज ओवरऑल जो क्वालिटी है मेन सेंसर से काफी जबरदस्त आती है जो शार्पनेस है अल्ट्रा वाइड आठ मेगा पिक्सल वाला अब बाहर का फोटो है तो यहाँ पर अच्छी फोटो आई है नो डाउट ये देखो मेन सेंसर है कतई जहर फोटो है भाई ये देखो ये अल्ट्रा वाइड है अल्ट्रा वाइड का जो डायनेमिक रेंज है वो मेन सेंसर के लेवल का नहीं है लेकिन फिर भी काफी अच्छा है दोनों भी कैमरा जहां पर भी फोटो बहुत तगड़ी ली है ये अल्ट्रा वाइड डेफिनेट तगड़ा वाला डाउनग्रेड है थोड़ा सा भी लाइट कम होती है तो बाकी ये देखो स्टूडियो लाइटिंग में मैंने ये फोटो ली हुई है मेन सेंसर से काफी जबरदस्त फोटो है भाई फोटो में कोई इशू है देखो ये भी फोटो देख लो काफी अच्छी शार्प है ये अल्ट्रा वाइड है बहुत ज्यादा वाला बड़ा डाउनग्रेड है भाई एंड ये मेन सेंसर है काफी अच्छी फोटो लिया है भाई मेन सेंसर अल्ट्रा अट्ट्रावाइड बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक बिल्कुल बेकार ये मेन सेंसर काफ़ी अच्छी अल्ट्रा वाइड उतनी खास नहीं है मतलब अगर इधर पे लाइटिंग अच्छी थी तो बेसिकली लो लाइट रहती तो अल्ट्रा वाइड उतना अच्छे से काम नहीं कर पाता है ये मैक्रो है तो मैक्रो प्लीज इग्नोर करो मैक्रो को एंड भाई बहुत तगड़ी फोटो थी ए आई मोड ऑन था ए मोड ऑफ करने के बाद थोड़ी सी स्किन जो है ना वो थोड़ी सी हार्श होने लगती है आ, लेकिन अभी देखो ये पीछे बैकग्राउंड में लाइट है उसके बावजूद कितना अच्छा डायन का रेंज मेंटेन किया है ये फोटो देख लो काफी अच्छी क्वालिटी की है सो फोटो जो आती है मेन सेंसर से वो बहुत अच्छी आती है ये बोके मोड में है जो उसका पोर्ट्रेट है स्किन टोन्स वगैरह जो कलर्स वगैरह बहुत अच्छे बहुत नेचुरल है अच्छा लगा मेरे को फोटो की क्वालिटी ये देख लो लगा काफी अच्छा है

काफी अच्छे क्वालिटी के स्पीकर है कोई इशू नहीं है मेरे को लगा कि इसके अंदर हमको फाइव जी का वाई मिलता है जो इसका वाइब्रेशन मोटर है वो भी काफी अच्छा है एंड अभी व्यू वाई भी आ जाता है फटाक से एकदम देखो व्यू वाई आ गया वाई बंद करता हूँ तुरंत ही यहां पर व्यू एल्टी आ जाता है फोर जी प्लस आ जाता है कैरियर एग्रीगेशन वगैरह बहुत अच्छे से काम करता है अगर आपको दिखा दू यहां पर दो बैंड कनेक्टेड है एक साथ में मैंने कॉल करके दिखाई ईयरपीस का साउंड माइक का पिकअप वगैरह इसके अंदर जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है बहुत अच्छे से सारी चीजें काम कर रही हैं उसमें कोई भी इशू नहीं आने वाला भाई कॉल क्वालिटी वगैरह एकदम सुपर है लेकिन यही गूगल का डायलर है ठीक है मतलब रिकॉर्ड करोगे

प्रोवाइड करता है ये फोन आपको बट वो प्राइस में अगर आपका बजट ही ट्वेंटी का है आपका मेन प्रायोरिटी गेमिंग है आपको डिस्प्ले भी अच्छा चाहिए एंड आपको कैमरा भी थोड़े अच्छे खासे चाहिए देन ये फोन डेफिनेट तगड़ा एक ऑप्शन हो सकता है आपके लिस्ट में आप लोग डेफिनेटली कर सकते हो लेकिन अगर आपका थोड़ा सा बजट ज्यादा है तो मैं आईको नाइन वगैरह आपको रिकमेंड करूंगा ये भी काफी अच्छा फोन है थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम लगता है मुझे पर्सनली आईको नाइन एसी बाकी ये फोन भी काफी अच्छा है ऐसा मैं खराब फोन नहीं बोल रहा हूँ मेरे को काफी अच्छा लगा आई कैन डेफिनेटली रिकमेंड स्पेशली इफ यू आर अ असर एंड यू वॉन्ट गुड बैटर लाइफ इसकी बैटर लाइफ उतनी अच्छी नहीं है जितनी इसकी बैटर लाइफ है इसकी बैटर लाइफ तो लाजवाब लगी मुझे सो so, या yeah. ओवरऑल काफी अच्छा है इवन पोको F4 से कंपेयर करूँ अभी मैं कंपेयर नहीं कर सकता बिकॉज इसको मैंने अभी तक प्रॉपर्ली टेस्टिंग किया है आज ही मेरे पास है इसके अंदर सिम कार्ड डाल के मैं इसको टेस्टिंग करने वाला हूँ फिर दो चार दिन के अंदर आपको डिटेल कंपेरिजन देने वाला हूँ ये दोनों फोन का तो उसके लिए स्टेट्यूम रहो सब्सक्राइब तो कर ही देना भाई तभी तो आपको नोटिफिकेशन आएगा समझ लो बाकी इतना ही तेज़ में आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी पसंद आई तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज बाय